हाय एवरीवन, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही हैं बहुत लंबे समय से, किस चीज़ के ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और शायद अभी तक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो SDGs हैं, ये 17 SDGs ही NEP में लागू होंगे या NEP का SDG कुछ और है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG क्या है। तो देखिए, ये कई सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। कई बार लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसके लिए पता नहीं क्या क्या त्यागना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि SDGs को फॉलो करने के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। माने मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो पानी वेस्ट करते रहें। हाँ, करते रहें पानी वेस्ट, फिर क्या होगा? तो SDG कैसे अप्लाई होगा? तो देखिए, SDG को अप्लाई करने के लिए हमको बस अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने होंगे। आज क्या हम 17 SDGs के ऊपर बात करें या मैं खास NEP के जो SDG गोल नंबर 4 है उसके ऊपर बात करूं, क्योंकि उसके सब SDGs भी बहुत सारे हैं। तो चलिए, खैर मैं अपने वीडियो के अंदर सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर करती हूं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, NEP का SDG क्या है, SDGs को फॉलो करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, क्या इसके लिए फिलोसोफर्स जैसा माइंड चाहिए या कोई ऐसी चीज़ें चाहिए कि बहुत ही इनोवेटिव हो। इसको जानने के लिए आप जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, और उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद जब लास्ट मिनट तक आपका सारे कन्फ्यूजन सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं इसको पर्सनली भी आपको हेल्प करूँगी। देखिए क्या है, ग्लोबली देर इज सो मच ऑफ नॉलेज अवेलेबल, लेकिन हर एक कोई उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। एक तरह से कहें तो देर इज सो मच ऑफ कॉन्टेंट अवेलेबल, बट इज इट रीडेबल टू एवरीबडी, इज इट अब्सॉर्ब्ड बाई एवरीबडी। तो ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ 17 SDGs की स्थापना करी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी लिस्ट लगा दी है, आप उसको जाकर पूरा का पूरा लिस्ट देखें। हाँ, इसके लिए एक SDG साइकिल भी है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसा करके क्या रोल है, बहुत सारे रोल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि हमको बेसिकली इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है। ये SDG है, SDG नंबर 4, जिसकी NEP 2020 के अंदर भरपूर चर्चा करी गई। लेकिन ये एक सेंटेंस में ख़त्म नहीं हो जाता, इसके कम से कम 7 सब पॉइंट्स हैं और 3 ABC, मतलब सस्टेनेबल गोल 4 ABC करके आगे बहुत क्लैरिटी दी गई है। देखिए, अगर हम ग्लोबली देखें, ग्लोबल की मतलब पूरे विश्व के अंदर लगभग 86.2 ग्लोबल लिटरेसी रेट है, लेकिन क्या 63.67 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं आउट ऑफ स्कूल्स हैं, तो ये लिटरेसी रेट कहाँ से आई? ये कन्फ्यूजन देखिए पैदा हुआ। कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा मैं आगे बताती हूँ आपको। भारतवर्ष की बात करें अगर, तो लगभग 74.04% एडल्ट्स लिटरेट हैं, राइट? 68.9% मतलब लगभग 69% के करीब रूरल एरियाज में लिटरेट हैं, 55% वो लोग लिटरेट हैं जिनके पास डिसेबिलिटीज है। लेकिन अगर हम माने कि 100% लड़कियां स्कूलों में एडमिशन लेती हैं, तो हायर एजुकेशन तक केवल 25% पहुंचती है, माने 1/4। तो बाकी सबका क्या होता है? कुछ प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट ले लेते हैं, कुछ जैसे ही सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में पहुंचती हैं ड्रॉप आउट रेट ले लेते हैं। और इनका क्या होता है, मतलब इन बच्चियों का क्या होता है कि जिन्होंने पढ़ाई तो शुरू करी लेकिन हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए? तो ये सारी चीजें अगर हम केवल आज अपने वीडियो के अंदर सस्टेनेबल गोल 4 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक करके सारी चीजें समझाती हूँ। 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। यूं तो सारे के सारे 17 SDGs जो हैं उनका टारगेट 2030 ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर SDG का तो बिल्कुल टारगेट क्लियर है। और ये कहां पर आता है? सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आपने NEP के अंदर देखा होगा, उसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में उसको हाईलाइट किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसको पूरा अलग से डिटेल, स्टेप बाय स्टेप डिटेल इसकी लगा दी, आप जाकर इसको रेफर कर लें। देखिए 4.1, अगर मैं SDG को इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताऊं, 4.1 का मतलब है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी बात क्या हो गई इसके अंदर, मतलब ताकि जो है फ्री प्राइमरी और फ्री सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिले, तो ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्री प्राइमरी एजुकेशन। आपने देखा होगा NEP में ECEC की काफी चर्चा करी गई,
विद्या प्रवेश की बात करी गई, बाल वाटिका की बात करी गई, अभी मैं आगे बात करती हूँ न्यूमरेसी और लिटरेसी की, जो मैंने अलग से भी वीडियो लगाया, मैं आई बटन पे उस वीडियो को लगा दूंगी। राइट, अगली बात आती है कि अफोर्डेबल। देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जिसको सब लोग वहन कर सकें। तो कैसी एजुकेशन? वोकेशनल, टेक्निकल और हायर एजुकेशन अफोर्डेबल हो, ताकि हो सकता है कि लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट का कारण ये भी हो, क्योंकि वो हायर एजुकेशन को बेयर नहीं कर पाते, बहुत महंगी हायर एजुकेशन हो जाती है। अच्छा, इसका जो 4.4 पॉइंट है वो बहुत ही मजेदार है। ऐसी कुछ स्किल्स स्टूडेंट्स को स्कूल की पढ़ाई के दौरान सिखाई जाए ताकि वो फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए बिल्कुल स्किलफुली रेडी हो जाए। 4.5 गोल क्या कहता है? वो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। माने जो बच्चे गांव में रहते हो, जो बच्चा किसी भी मतलब इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आ रहा हो, जो बच्चा डिसेबल हो, इंक्लूसिविटी के ऊपर सबको बराबर का हक है। इसीलिए ना इंडियन साइन लैंग्वेज की बात भी हुई गई है, जो NIOS बना रहा है। मैंने पहले अपने वीडियो में बात करी थी क्या, कि अगर किसी की भाषा हम नहीं समझ पाते तो हम कम्युनिकेशन करेंगे, तो ISL बन गया है और ISL सबको सीखना पड़ेगा ताकि हम उन लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएं। अभी तो इंग्लिश, हिंदी और हमारी रीजनल लैंग्वेज की फाइट है, तो अब ISL बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो हम सबके साथ बातचीत करेंगे। 4.6 बात कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। छोटे बच्चे को जब तक की पढ़ाई समझ नहीं आएगी तब तक वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, वो आगे पढ़ाई करने में उनकी रुचि या इंटरेस्ट कैसा बनेगा। तो यहां पर बात हो गई। नेक्स्ट, कि हम लोगों को ये सस्टेनेबल जो गोल्स हैं, 4.7 ये कहता है किस लिए जरूरी है, ग्लोबल सिटीजनशिप। अभी पैंडेमिक में हमने देखा ना कि हम अपने घर में रहते हुए इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर्स जाने कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड है, और हम अपनी स्किल से, अपने काम से प्रोफेशनली भी बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं और ऐसी पढ़ाई भी एक्वायर कर सकते हैं। अब ये तो हो गई पॉइंट्स की बात SDG 4 के ऊपर। अब इसके तीन ABC कुछ तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत चकित कर देंगे। क्या है? नंबर ए, 4A जिसको बोलते हैं, बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव बट सेफ स्कूल्स। 4B क्या कहता है? हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स को एक्सपैंड किया जाएगा। और 4C, सप्लाई, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। देखिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको SDG 4 के बारे में बताया जो कि NEP के अंदर है। इसके अलावा जो 17 SDGs हैं जिनको मैंने पूरा डिटेल में अलग से पूरा डाल कर रखा है, कुछ एक उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है कि पॉवर्टी खत्म करना है, गुड जेंडर इक्वालिटी लेकर आना है, ग्रेट हेल्थ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ग्रेट हेल्थ के लिए तो एक टिप दे देती हूँ आपको, हर सुबह उठकर आप अपने पाँव जरूर छूइए। जैसे आप अपने आप पाँव छूते हैं, मतलब धरती को छू लीजिए या अपने पाँव को छू लीजिए, आप फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहें तो मैं हर SDG को वन लाइन में आपके साथ एक्सप्लेन कर सकती हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करूंगी। ये कोई ऐसी फिलोसफिकल चीज नहीं है या रॉकेट साइंस SDGs को अचीव करने के लिए नहीं है कि हम इसके लिए क्या करें। लगातार अवेयरनेस फैलानी है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो ही इसको अचीव कर पाएंगे। आई एम श्योर मेरा वीडियो आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप खुद भी देखें, दूसरों को भी सजेस्ट करें। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।